हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बुडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरोज ऑटो ब्लॉग। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ये है दोस्तों 2020 BS6 टाटा हैरियर XM80 वेरिएंट, और जो कि XM वेरिएंट पे बेस्ड है। जहां तक XM वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो XM वेरिएंट की प्राइस जाती है 15.15 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 17.92 लाख। और वहीं XM80 वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो 16.40 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली जाती है, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 19.37 लाख। दोनों ही वेरिएंट में ट्रांसमिशन का ही फर्क है। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट नहीं प्रोवाइड किया गया है। और वहीं इसके हेडलैम्प यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प और हेलोजन बल्ब की कॉम्बिनेशन, नीचे फॉग लैम्प दिया गया है और क्रोम गार्निश यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ब्लैक कलर में ही दिया गया है, बीच में टाटा का लोगो। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश नहीं मिलता है। नीचे स्किड प्लेट दिया गया है सिल्वर कलर के। ड्यूल टोन फ्रंट बम्पर काफ़ी शानदार इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफ़ी एनहांस कर देते हैं। चलिए अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकपर्सन स्टड विद ऑयल स्प्रिंग एंड रियर में सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्रेड विद पेनहार्ड रोड विद कोयल स्प्रिंग प्रोवाइड किया गया है। डायमेंशंस में लेंथ 4598 mm, विड्थ 1894 mm, हाइट 1706 mm, व्हील बेस 2741 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm, बूट स्पेस 425 लीटर, फ्यूल टैंक दिया गया है 50 लीटर्स। और इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील विद सिल्वर कलर के व्हील कवर, और व्हील साइज है 235/70R16। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग आपको प्रोवाइड किया गया है। वहीं इस वेरिएंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। वहीं ORBM की बात करें तो ड्यूल टोन ORBM आपको मिलते हैं LED टोन इंडिकेटर के साथ, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल इसमें नहीं आता है। और वहीं इसके बी पिलर को पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। और ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे बॉडी कलर के ही मिलने वाले हैं। और विंडो लाइन के ऊपर साइड आपको मिलता है क्रोम गार्निश, और रियर में आपको फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन दिया गया है, और जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और रियर में फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन में आपको क्रोम में एम्बलम मिलता है हैरियर की। एक बार आपको क्लोज लुक दिखा देता हूं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, काफ़ी शानदार यहाँ पर लुक। और वहीं इसके रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको एंटीना यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, और यहाँ पे रियर वाइपर भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफ़ी शानदार। और 3D LED टेल लैम्प, टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे ब्लैक फिनिशर दिया गया है, टाटा का लोगो बीच में प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफ़ी शानदार इसका टेल लैम्प यूनिट। वहीं यहाँ पे टेल गेट पे हैरियर की बैजिंग नंबर प्लेट की जगह, और यहाँ पे ड्यूल टोन रियर बम्पर और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किया गया है, और रियर बम्पर के दोनों रिफ्लेक्टर दिया गया है क्रोम गार्निश में। यहाँ पे काफ़ी शानदार स्किड प्लेट आपको ब्लैक कलर में ही मिलने वाले हैं इस वेरिएंट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और हैरियर की जो बैजिंग है काफ़ी शानदार लग रहे हैं। और चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो यहाँ पे फ्रंट डोर में आपको पडल लैम्प भी दिया गया है, एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फ्रंट डोर पे मिलते हैं पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल, इसके साथ ही 1 लीटर का बोटो होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर और स्पीकर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए बात करते हैं इसके डैशबोर्ड लेआउट की। तो एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी शानदार डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही प्रीमियम रहने वाला है। और इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है, और इसका की कुछ इस तरह रहने वाला है XM और XMA वेरिएंट का। चेकआउट कर लीजिए, फ्लिप की यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है, और इसमें फैब्रिक अपोस्ट्री आपको मिलते हैं, और टॉप इन वेरिएंट में आपको लेदर अपोस्ट्री दिया गया है, और इसमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इसके साथ ही चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो उससे पहले आपको यहाँ पे सेंटर कंसोल में दिखा देता हूँ क्या क्या यहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, और उसके नीचे स्टोरेज, 12 बोर्ड का चार्जर और 2 कप होल्डर, और एयरक्राफ्ट स्टाइल में पियानो ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक,
और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। ट्राई अरेसिव टेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एक्जेम एटी वेरिएंट और यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे स्पोर्ट मोड, इको मोड, मीडिया के कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसी के साथ आपको सेंटर कंसोल में मिलते हैं 7-inch का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह रहने वाला है, जो कि सपोर्ट करता है FM रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं आता है इस वेरिएंट में। हालांकि इसका जो लेंथ है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बराबर है, लेकिन डिस्प्ले आपको छोटा 7-inch का मिलता है, जिसका टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इसके XT वेरिएंट से आपको मिलता है 8.8-inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। चलिए बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस रहने वाला है इस वेरिएंट में। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड RPM मीटर, बीच में MID, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जहां तक स्टीयरिंग व्हील की बात करें, तो टिल्टेबल टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल यहां पे दिया गया है, बीच में टाटा का लोगो, और इस वेरिएंट में आपको कोई भी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया गया है। और जैसे कि ऑटोमेटिक है, यहाँ पे एक्सेलेरेटर और ब्रेक दिया गया है। डेड पेडल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ग्लोब बॉक्स की बात करें, तो यहाँ पे काफी लार्ज ग्लोब बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, और टैबलेट ट्रे भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया इस वेरिएंट में, और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर और इसके अलावा कैबिन लाइट LED में दिया गया है, और वॉइस रिकॉग्निशन के लिए आपको स्पीकर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इस वेरिएंट में आपको डे नाइट IRBM नहीं मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की, तो सबसे पहले रियर डोर से स्टार्ट करते हैं, और इसमें मिलते हैं पावर विंडो के कंट्रोल, सिल्वर फिनिश में ग्रैब हैंडल, और इसके अलावा आपको 1 liter का बोटल होल्डर, और इस डोर पे आपको ट्विटर नहीं मिलते हैं। इसमें 6 speaker आपको टोटल मिलते हैं इस वेरिएंट में, और मोबाइल रखने की जगह यहाँ पे दिया गया है, और बहुत ही शानदार कैबिन कंफर्ट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा आपको इसमें मिलते हैं काफ़ी शानदार स्पेस। लेगरूम हेडरूम की अगर हम बात करें, तो उसके लिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके लेगरूम और हेडरूम की। और उससे पहले आपको रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें, तो इस वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह रहने वाला है। एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और चलिए अब बात करते हैं इसके लेगरूम और हेडरूम की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी जगह मिलने वाली है लेगरूम में। वहीं हेडरूम की बात करें, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और वहीं शोल्डर रूम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके अलावा इसके बी पिलर में दोनों ओर आपको AC वेंट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो इसके बूट गेट पे नंबर प्लेट के ठीक ऊपर दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, जिसे पुश करके आप इसे ओपन कर सकते हैं, और इसमें आपको काफ़ी लार्ज बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। और टोटल आपको मिलते हैं यहाँ पे 425 liter का बूट स्पेस, काफ़ी स्पेशियस जगह यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे पार्सल ट्री भी अवेलेबल कराया गया है इस वेरिएंट में, और इसी के साथ राइट साइड आपको बूट लैंप भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसी के साथ आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, जहाँ पे आप कोई भी सामान रख सकते हैं, और यहाँ पे टूल किट दिया गया है। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, स्पेयर व्हील भी आपको 16-inch के ही दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, जिसे ग्रैब करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इंजन की अगर हम बात करें, तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लाइंट 2 liter 4 cylinder क्रायटेक टर्बोचार्ज डीजल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें, तो 170 PS की पावर 3750 RPM पे एंड 350 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है 2500 RPM पे। वहीं ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, तो 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलते हैं। वहीं कंपनी इसमें क्लेम करती है 17 km/h की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल असिस्ट, पैरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंट्रल लॉकिंग, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, एंटी थेप डिवाइस, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं।
ये थी दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू 2020 BS6 टाटा हैरियर एक्सएम ATV वेरिएंट की, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।